नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष लवानिया एक बार फिर हाजिर हूँ आपका बेशकीमती टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ वही मूवीज या सीरीज देखें जो आपका बेशकीमती टाइम डिजर्व करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं हॉट स्टार पर आई काजोल स्टारर कोर्टरूम ड्रामा सीरीज द ट्रायल की। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में हम इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे और लास्ट में आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीटली देखना अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले इसकी कास्टिंग की बात करते हैं तो सभी एक्टर्स ने कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग की है और मेनली काजोल की एक्टिंग बिल्कुल गांठ फाड़। ये तो हो गई कास्टिंग की बात, अब सीरीज की स्टोरी पर आते हैं। तो दोस्तों, इस समय इसमें काजोल एक हाउसवाइफ है और दो बेटियों की माँ है। वो पास्ट में एक बहुत अच्छी लॉयर थी, लेकिन एक वेल नोन जज से शादी करने के बाद वो हाउसवाइफ बन जाती है। अब होता यह है कि उनके जज पति एक सेक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं और जेल चले जाते हैं और उनके सारे बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए जाते हैं। घर चलाने के लिए वो फिर से एक लॉ फर्म में एज ए जूनियर काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरीज की स्टोरी यही है कि काजोल क्या अब अपने करप्ट पति का केस लड़ेंगी और अगर लड़ेंगी तो क्या उन्हें बचा पाएंगी। दोस्तों, सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट है और सीरीज कहीं भी स्लो नहीं होती, और मेन प्लॉट से हटकर काजोल बीच में जो केसेस लड़ती है वो भी इंटरेस्टिंग है। सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलता है, इससे मिलते जुलती स्टोरीज आप पहले भी देख चुके हैं। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 7 स्टार और बॉलीफ्लिक्स इसे रेटिंग देता है 6.5 स्टार। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, ये आपके कीमती 5.5 घंटे डिजर्व करती है या नहीं। दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सीरीज देखने लायक है और वन टाइम वॉच तो 100% है, लेकिन अगर आप काजोल के फैन हैं और आपको कोर्टरूम ड्रामाज पसंद है और आपको 2022 में आई गिल्टी माइंड सीरीज पसंद आई थी तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज कई एस्पेक्ट में गिल्टी माइंड से बेटर है, यू शुड नॉट मिस दिस। ओके दोस्तों, नमस्ते, चैनल का नाम याद रखिएगा और चैनल पर वापस आते रहिएगा ऐसे ही जेन्युइन और अनबायस्ड रिव्यूज देखने के लिए। थैंक यू।